नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के एग्जाम के बारे में। आपको टारगेट करना है और आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम है वो 9 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला टारगेट क्या है, 30 नवंबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग आरआईएमसी देहरादून के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। कुछ चेंजेस भी आए हैं, आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से फॉर्म की डेट को आगे पीछे किया गया है, एग्जाम की डेट को भी आगे पीछे किया गया है। जो बच्चे लगातार वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम है वो तो 1 और 2 दिसंबर को होता है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम 9 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, एक बहुत बड़ी टीम आपके लिए लगी हुई है जो आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, कोशिश करती है कि आपकी मदद की जाए, किसी तरीके से आपके बच्चे को ऑफिसर बनाया जाए। बट सवाल ये आता है उसके लिए करना क्या है, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप मुझे ये 3 चीजें मैसेज कर देते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे साथ के साथ मैसेज आ जाएगा। सवाल ये आता है कि सर मैसेज में क्या आएगा, मैसेज में ये आएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 अप्रैल 2010 है, तो 2010 के अकॉर्डिंगली बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो आगे चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून का जो दिसंबर वाला एग्जाम होता है वो 8th क्लास के बॉयज के लिए होता है, तो लड़कियों के लिए वीडियो नहीं है। अगर कोई गुड़िया है तो लड़कियों के लिए आरआईएमसी देहरादून में एडमिशन नहीं होता है, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। हाँ, लड़कियों के लिए 6th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास में एडमिशन होता है। सवाल यह आता है कि अगर बच्चा दिसंबर वाला फॉर्म भरता है, 30 नवंबर से पहले फॉर्म भरता है, 9 जनवरी को एग्जाम देता है, तो सर एडमिशन कब मिलेगा? तो आपके बच्चे को सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी जुलाई 2021 से आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून पहुंच जाएगा, तैयारी शुरू कर देगा और लगातार 5 साल 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास लगातार 5 साल आपका बच्चा एनडीए की तैयारी करेगा। आरआईएमसी देहरादून में मैं आपको बता दूं कि 80-90% जो बच्चे होते हैं वो आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी का है तो वो है आरआईएमसी देहरादून, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नंबर 3 पे आता है आपका सैनिक स्कूल। तो आरआईएमसी देहरादून के लिए थोड़ा लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कम से कम लगातार 2-3 साल तैयारी करवाएंगे तब फायदा होगा, शॉर्टकट मारेंगे तो कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देखने का। तो संडे को परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा, सैटरडे को ही आपके तीनों पेपर हो जाएंगे, आपका मैथ्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर और आपका जीके का पेपर, आपका सैटरडे को एक ही दिन पेपर पूरा हो जाएगा। फॉर्म की डेट 1 अगस्त से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है, फिर फॉर्म हमारे घर पे आता है, फिर उसको भर भूर करके स्कूल से साइन करवा करके उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपने स्टेट के रीजनल सेंटर में भेजना पड़ता है। सवाल ये आता है सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो भैया फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है, 9 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप प्रॉपर 1 साल अपने बच्चे को हॉस्टल में तैयारी करवाना चाहते हैं, 30 नवंबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए में आपके बच्चे को पूरे साल भर तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिसमें हॉस्टल, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ आपको सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। तो आपके बच्चे को यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, एज के अकॉर्डिंगली अगर बच्चा साल भर तैयारी करता है तो एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के 5 फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी। ये सारी जानकारी है, आपके बच्चे की फिजिकल ट्रेनिंग होती है शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, SSB इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है हर रोज 1 घंटा, प्रॉपरली बच्चे की पर्सनालिटी कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया जाता है। सवाल ये आता है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो जो आपको फॉर्म आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपको टारगेट करना है कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का है तो भी बहुत अच्छी बात है, फादर का है तो भी बहुत अच्छी बात है, मदर का है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बच्चे का लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको बच्चे का लगाना है और SC और ST जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करना है। अगर कोई बच्चा अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से,
और आपको ये याद रखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके घर पे आएगा जब आप अप्लाई करोगे, हफ्ता 10 दिन के अंदर जब आपके घर पे आएगा तो आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है, सिग्नेचर करवाना है, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, पापा का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा आपको अटेस्ट कराना है प्रिंसिपल से, और ये सारे डॉक्यूमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, सब लगाना है आपको, ठीक है जी। तभी आपके बच्चे का फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा और तभी आपको 9 जनवरी 2021 को एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। 11.5 से 13 साल के बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। यानी अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2008 है तो भी बहुत अच्छी बात है, 1 जनवरी 2010 है तो और भी अच्छी बात है, और अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रहा है यानी 2 जुलाई 2008 के बाद में या 1 जनवरी 2010 से पहले आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 7419992928 पर, यार आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, कोई सी भी बुक से पढ़ाई लिखाई करो, आपको अंबाला नहीं आना है कोई बात नहीं, आपको हमारे यहाँ तैयारी करानी है नहीं करानी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको फॉर्म सही भरना है, कोई गलती मत कर देना। और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, काउंसलिंग करवाओ, और आपको अगर आपके आसपास अच्छे टीचर्स हैं, आपके आसपास अच्छे स्कूल्स हैं जो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आपको सैनिक स्कूल आरएमसी की तैयारी करा रहे, तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे तैयारी कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यूपी में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रॉपर बुक्स नहीं मिल रही है, आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं मिल रहा है, आसपास अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप अंबाला कैंट आ सकते हो, ठीक है जी। तो सवाल यह आता है कि फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है, ध्यान से समझिए, वो बच्चा जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास को पास कर चुका है, अगर वो पास कर चुका है, पास करने का मतलब क्या है कि अभी जब वो फॉर्म भरेगा तो वो 8th क्लास में होगा, ठीक है जी। तो कोई भी बच्चा जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है यानी 7th क्लास में आ चुका है, पढ़ रहा है, क्लासेस लगा रहा है, या 7th क्लास पास कर चुका है यानी 8th क्लास में आ चुका है, वो बच्चा भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। तो इसमें मेन क्या है, आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में। और इवनिंग क्लासेस वो बच्चे लगा सकते हैं जो अंबाला में नहीं आ सकते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जो अपने बच्चों का अपने स्कूल से टीसी नहीं करवा सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आप दिन में आपके स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, शाम को बच्चा हमारे स्कूल में इवनिंग क्लासेस लगाएगा, ठीक है जी। तो आपके बच्चे को शाम को 3 घंटे की लाइव क्लासेस दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के 3 फॉर्म भरे जाएंगे, 15 बुक्स का आपके बच्चे को सेट मिलेगा, तो आप कॉल करके इवनिंग क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो पेपर में आपके पेपर जो है वो आपके इसमें आपका मैथ्स आता है, आपका इंग्लिश आता है, आपका जीके आता है, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा, पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि चाहे आपको 2 साल तैयारी करवानी पड़ जाए, चाहे आपको 3 साल तैयारी करवानी पड़ जाए, लेकिन तैयारी इंग्लिश में ही करवाना, ठीक है जी। कल को बच्चे ने मान लो रिटन एग्जाम निकाल दिया, आगे इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, बहुत कुछ देखा जाता है, सिर्फ पेपर निकाल देना ही सफिशिएंट नहीं है। बच्चा जो है ना वो इंग्लिश फर्राटा बोलता हुआ होना चाहिए, तोते की तरह जब इंग्लिश बोलेगा तभी बच्चे को ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है जी। अब ये तो है नहीं कि अगर बच्चा भोजपुरी में बोलेगा, पंजाबी में बोलेगा, हरियाणवी बोलेगा तो उसको ऑफिसर थोड़ी बनाएंगे। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई बच्चा गुजराती बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, राजस्थानी बोल रहा है, तो हम तो हिंदी की भी बात नहीं कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है। हमारा टारगेट क्या है, बच्चे को इंग्लिश मीडियम, बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार करना है, क्योंकि बच्चे का SSB इंटरव्यू होता है, ठीक है जी। तो जब NDA का एग्जाम होता है तो आपको ध्यान रखना है, और आपका बच्चा पेपर इंग्लिश में भी दे सकता है, हिंदी में भी दे सकता है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि कभी भी हिंदी में तैयारी मत करवाइएगा, चाहे 1 साल की बजाय 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तैयारी आपको इंग्लिश माध्यम में ही करवाना है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू की, तो कम से कम 50% नंबर इंटरव्यू में टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम, ठीक है जी। तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा खासा होता है, लंबा चौड़ा चलता है, तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिनका सिलेक्शन पक्का होता है, उनका इंटरव्यू लंबा चलता है, ठीक है जी। इंटरव्यू की डेट कौन सी है, 6 अप्रैल, मंगलवार का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है, ठीक है जी। तो हनुमान जी का नाम लेकर के जाइएगा, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो बढ़िया,
लड्डू वड्डू चढ़ा करके हनुमान जी को आप निकल सकते हैं, और 6 अप्रैल को आपका बच्चा इंटरव्यू देगा। तो आपके पास अभी कितना टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके पास प्रॉपर अभी भी मैं कहूं तो 6 महीने का टाइम प्रॉपर है, ठीक है जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो आपका पेपर ही होगा, तो आप 5 महीने का टारगेट लेकर के चलो। अब कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ये इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो इसमें आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स है ना कोचिंग सेंटर में तैयारी करवाते हैं, तो कोचिंग वाले मैथ्स तो बहुत अच्छा करा देते हैं, इंग्लिश भी करा देते हैं, आपका जीके भी करा देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे शाम को आते हैं, 2-3 घंटे में क्या पढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं कि पहले सेलेक्ट तो होने तो बाद में कराया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के लिए आपको टाइम कम मिलता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपका साथ के साथ मेडिकल और इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाता है। तो RIMC की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा अगर लंबा प्लानिंग करके चलोगे तो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा, शॉर्टकट मारोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है जी। तो टारगेट ये करो कि कोई ऐसा स्कूल आपको मिल जाए जो स्कूल की पढ़ाई भी कराए और आपको RIMC देहरादून की तैयारी भी करवाए, आपको सैनिक स्कूल का भी। तो जो बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ते हैं उनका एज के अकॉर्डिंगली हम 5 फॉर्म फ्री भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, SSB इंटरव्यू की ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिजिकल की भी तैयारी हम ही करवाते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स की डिमांड करते हैं, तो RIMC देहरादून का आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको पिछले 10 सालों के RIMC के सैंपल पेपर, 9th क्लास के सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, 9th क्लास के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर और 9th क्लास के सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी के आपको पेपर मिल जाएंगे 5,000 रुपये में। 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, 40 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपको बुक्स में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करो, किसी क्वेश्चन में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका फोटो खींच करके आप हमें टेलीग्राम पे भेज दो, 7419992928 पर आप टेलीग्राम पे भेज दो, तो उसका आपको पता है क्या फायदा है कि जैसे ही आप फोटो भेजोगे आपको एक वीडियो बना करके हमारे टीचर्स भेज देंगे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो अगर आप दुकान से कोई किताब लोगे तो थोड़ी आपको कोई आंसर बताएगा, लेकिन जो पेरेंट्स हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, आप फोटो खींच करके 7419992928 टेलीग्राम चैनल पे आप भेज दो, ठीक है जी। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको देखना है, थोड़ा सा आपको अगर आप चाहते हो तो आपको मौका मिलेगा। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम सेंटर जो ज्यादातर है वो आपको स्टेट की कैपिटल्स में मिलेंगी, पंजाब और हरियाणा का जो सेंटर वो पंचकुला में बनता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है जी। बाकी मोस्टली जो है वो आपके एग्जाम सेंटर जो है वो कैपिटल सिटीज में बनते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में, यूपी की बात करें तो लखनऊ में, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान देना है, तो जो बच्चे आपके उत्तराखंड के हैं उनको देहरादून के बच्चों को, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल सिटीज में आपको टारगेट करके चलना है। फीस की अगर हम लोग बात करें तो भैया 1,07,500 रुपये फीस काफी बढ़ा दी गई है दिसंबर 2020 से, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, फीस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आप लोग जितना डिले कर रहे हो फीसें कभी कम नहीं होने वाली, महंगाई आपकी बढ़ेगी। जो पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि सर हमारे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है जी, जो पेरेंट्स कहते हैं हम कैसे तैयारी करवाएं, आपको सिर्फ माइंड बनाना है, सोच बनानी है, पैसा अपने आप आ जाता है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपको तैयारी करवानी है, मेहनत करनी है, तो पैसा आप कहीं ना कहीं से जुटा लेंगे। मेन बात क्या है कि आपको अपनी नीयत बनानी है, ठीक है जी। आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है, बच्चे को इंटरेस्ट जनरेट करना है, पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेना है, खुद पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो बच्चे SC ST के बच्चे हैं उनकी फीस कम होती है, 93,900 रुपीज़ होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर 30,000 रुपये का सिक्योरिटी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल है। आपको 30,000 रुपये जब आपका बच्चा 12th क्लास पास करके निकलेगा तो वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपकी फीस टोटल कितनी होगी सिक्योरिटी को मिला करके, 1,07,500 रुपीज़। और अगर हम लोग बात करें SC ST की तो 93,900 रुपीज़ आपकी फीस है, जिसके अंदर सिक्योरिटी मनी इंक्लूडेड है। तो बच्चा 12वीं करके निकलेगा तो आपको मिल जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो सारा दिन लाइव क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका बच्चा डेली, यानी स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग की पढ़ाई, दोनों आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा हमारे यहाँ पे।
और एज के अकॉर्डिंगली बच्चे का 5 फॉर्म फ्री भरा जाएगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे ही बच्चा हर संडे टेस्ट देगा, पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि भैया मैथ्स में कैसी परफॉर्मेंस है, इंग्लिश में कैसी है, रीजनिंग में कैसी है, जीके में कैसी है। और अच्छी बात क्या है कि लाइव क्लासेस के साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, ताकि आपके बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत ना आए, बार बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को रिपीट कर करके बार बार बच्चा देख सकता है। और 15 बुक्स का सेट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अच्छी चीज क्या है कि अगर आपका बच्चा एक कोर्स की तैयारी कर रहा है तो कोई भी एग्जाम दे सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है आरआईएमसी की, तो वो बहुत सारे एग्जाम दे सकता है, बहुत सारे, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। सैनिक में नहीं निकलेगा तो मिलिट्री में निकलेगा, मिलिट्री में नहीं तो आरआईएमसी में, गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेगा। बात करें अगर स्कॉलरशिप के बारे में, तो 10,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये का स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। यानी अगर आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अमाउंट अलग अलग देता है। अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तैयारी करवानी है, कम से कम मान के चलो 20,000 से 30,000 रुपये का स्कॉलरशिप तो मिलता है। बाकी कई स्टेट ऐसे हैं जो आपको 50,000 60,000 रुपये का भी स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, बाकी आपने चेक करना है। आप जाइए YouTube पे डालिए RIMC देहरादून स्कॉलरशिप की जानकारी, बाय इंजीनियर विनय राय, आपको जानकारी मिल जाएगी, मेरा आपसे वादा है, ठीक है जी। तो ये आपको टारगेट लेकर के चलना है। बच्चा अगर पढ़ रहा है, पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, नवंबर में उनका स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। काफी बच्चों को, 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। नवंबर में भी टेस्ट होता है, मार्च में भी होता है। जो बच्चे मार्च में टेस्ट देते हैं उनको पूरे साल भर फ्री पढ़ाया जाता है, सोचो। और जो बच्चा नवंबर में होता है उसको 2 महीने नवंबर और दिसंबर का क्रैश कोर्स फ्री मिल जाता है। तो अगर बच्चा आपका इंटेलिजेंट है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, आपको कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला भी सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। तो जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अपने घर पे जो बुकलेट आप मंगवाते हैं, तो जो जर्नल वाले हैं 600 रुपये का फॉर्म है। SC और ST वाले बच्चों के लिए, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए फॉर्म की फीस कितनी है, 555 रुपये। सवाल ये आता है कि सर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। www.rimc.gov.in पर आपको जाना है, अपना फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके घर पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। कई बार लेट भी हो जाता है, थोड़ा सा कोरोना की वजह से कुछ स्टेट में दिक्कत चल रही है, आगे पीछे चल रहा है, तो मोटा मोटा आप मान के चलो 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आपको मिल जाए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, हम आपकी बिल्कुल फ्री में मदद करेंगे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। बाकी आप हमारी मदद से भी आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरवा सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपये में, ठीक है जी। 7419992928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो ना तो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ना तो लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ना तो स्कूल में आ सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या किया है कि एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का कोर्स बनाया हुआ है। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको 40 सैंपल पेपर मिल जाएंगे, 10 सैनिक स्कूल के, 10 आरआईएमसी देहरादून के, 10 मिलिट्री स्कूल के, 10 और सेंट्रल हिंदू स्कूल के। तो आपका बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से संडे, मंडे, होली, दिवाली, दशहरा के दिन आराम से तैयारी कर सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि 15,000 रुपये में आपका आरआईएमसी का फॉर्म भी फ्री भरा जाएगा और आपको आरआईएमसी का 15 बुक्स का सेट भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि बच्चे को बुक्स भी चाहिए, बच्चे को ऑनलाइन सॉल्यूशंस के लिए। जब तक बच्चे को वीडियो नहीं देखेगा, समझ में नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं करेगा, अपने आप तो बच्चा नहीं पढ़ सकता ना। आगे चलते हैं। और ये जो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मंगवा सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो, सबसे इजी तरीका तो ऑनलाइन ही है। आप ऑनलाइन गए, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर आप रिस्क मत लीजिए, आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता है, तो फिर आप हमारी मदद लेकर के फॉर्म भरवा सकते हैं। बाकी जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो पेरेंट्स, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। आरआईएमसी देहरादून के लिए आपको क्या करना है, DD बनवाना है, DD बनवा सकते हैं, और DD के माध्यम से भी आप फॉर्म मंगवा सकते हैं, ठीक है जी। तो आप, सवाल ये आता है कि जब प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, DD बनाना है। DD मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 600 रुपये का जर्नल वालों के लिए फॉर्म है और 555 रुपये SC और ST वालों के लिए। तो जो SC और ST वाले हैं उनको क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाना है जब वो फॉर्म को DD के थ्रू मंगवा रहे हैं,
तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट किसके माध्यम से। पहली बात तो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दूंगा कि डिमांड ड्राफ्ट वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा प्रोसेस खतरनाक है, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि मेरे पास पेरेंट्स की कई बार कंप्लेंट आती है कि फॉर्म लेट आता है, जाता भी लेट है, दिक्कत आती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लो, किसी भैया दीदी के माध्यम से अप्लाई करवा लो, हमारी मदद से करवा लो, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है जी। लेकिन डीडी वाला पंगा मत करना, डीडी वाले में दिक्कत आती है, हमेशा दिक्कत आती है। तो अगर आप डीडी बनवाते हैं तो सवाल ये आता है किसके फेवर में बनाना है, द कमांडेंट आरआईएमसी देहरादून ड्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेल भवन देहरादून, बैंक का कोड है 01576 उत्तराखंड। ये आपको कैपिटल लेटर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डीडी बनवाना है और आप आरआईएमसी देहरादून की मदद से फॉर्म मंगवा सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों को डीडी बनवाना आता नहीं है, दिक्कत आती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो आरआईएमसी का फॉर्म 1 अगस्त से निकला हुआ है, 30 नवंबर लास्ट डेट है, 9 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और एग्जाम जो है वो एक ही दिन होगा। 11.5 से 13 साल की एज चाहिए। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन, ध्यान से सुनिए, फॉर्म जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। जैसे आप अप्लाई करते हो तो फिर आपके घर पे आता है, आपको भर के भेजना पड़ता है। कई सारे पेरेंट्स 2 महीने के क्रैश कोर्स की डिमांड कर रहे थे, सभी लोग बहुत अधिक पैसा नहीं लगा सकते हैं, सभी लोग हॉस्टल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो नवंबर और दिसंबर में हॉस्टल में जो क्रैश कोर्स होएगा, बच्चा आएगा, उसकी 30,000 रुपये फीस है। आप ऑनलाइन भी तैयारी करवा सकते हो, अगर आप फुल डे तैयारी करवाते हो तो 20,000 रुपये है, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके बच्चे को 2 महीने का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। मात्र 20,000 रुपये में आपका बच्चा घर से बैठ करके लाइव क्लासेस लगा सकता है, प्रॉपर नवंबर और दिसंबर। तो ये क्लासेस आपकी 9 दिसंबर तक चलेंगी, ठीक है जी, लास्ट मोमेंट तक। तो आप ये मान के चलो कि मोटा मोटा ये 2 महीने का नहीं है, आपको 2.5 महीने सिर्फ 20,000 रुपये में ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमारा बच्चा तो स्कूल जाता है, सिर्फ शाम वाली क्लासेस चाहिए, इवनिंग क्लासेस, तो शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका बच्चा सिर्फ 10,000 रुपये में, ठीक है जी, शाम को 7 बजे, इसमें आपको मैथ्स कराया जाएगा, इंग्लिश कराया जाएगा, रीजनिंग कराया जाएगा, जीके कराया जाएगा और इसमें आप आरआईएमसी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, तैयारी कर सकते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, राय स्पोर्ट्स स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, कोई भी है। तो ये ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, ऑफलाइन वाला जो है उसकी 2 महीने की 30,000 रुपये फीस है, ठीक है जी। दूसरी चीज, अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फुल डे क्लासेस लगा रहे हैं, चाहे वो सिर्फ इवनिंग क्लासेस लगा रहे हैं, उनका हमने एक फॉर्म और बुक्स का सेट हमने फ्री कर दिया है। चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म ले, चाहे वो मिलिट्री स्कूल की तैयारी करे, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून का, अगर वो आरआईएमसी की तैयारी करे तो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म और 15 बुक्स का सेट हमने फ्री कर दिया है। तो चाहे वो फुल डे क्लासेस लगा रहा है, चाहे वो सिर्फ इवनिंग क्लासेस लगा रहा है 2 महीने के लिए, ठीक है जी, आपको सपोर्ट करना ही हमारा मेन, जो मेन टारगेट है कि आप जैसे भी जाते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप तैयारी जरूर करवाइए। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को। अब पेरेंट्स के मन में आता है कि सर स्कॉलरशिप का क्या फ़ायदा है, अगर आपका बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है, टेस्ट देता है, टॉप 51 बच्चे को हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री। इसमें आपको 15 बुक्स का सेट, ध्यान से समझिए, 15 बुक्स का सेट, एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म, रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ फ्री है। फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो बच्चे अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा, ठीक है जी, जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, अगर वो आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर उनके जनवरी, फरवरी और मार्च की फीस उनसे अलग से चार्ज किया जाएगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर में 2 महीने, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करें, चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल, कोई भी तैयारी करे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बिल्कुल फ्री बनाया। ये कुछ बच्चे हैं जो मई में स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, पूरा 1 साल। अंजलि पटेल, स्तुत्य शुक्ला जी, सूर्यांश पनवर जी, आदित्य प्रसाद, दया सिंह और वर्णित सिंह, ये बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में, आदित्य चौहान, रोहन तनवर, कन्वर अधय प्रताप सिंह, श्याम कुंडू, संयम कुंडू सॉरी, और दया सिंह, ठीक है जी। और ये हमारा मार्च वाला स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो कॉल करके मार्च वाले स्कॉलरशिप टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो आज की डेट में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में,
ठीक है जी, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने परिवार का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे स्कूल का भी नाम, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। सवाल ये आता है कि सर हॉस्टल में क्या क्या सामान लेकर के आना है, तो ये आपकी स्क्रीन पर पूरी लिस्ट है, 26 आइटम्स हैं, ये आपको लेकर के आना है। और जब भी आप, अगर आप नहीं लेके आएंगे तो फिर हॉस्टल वाले आपसे चार्जेस लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि बच्चे को, बच्चा तैयारी कर रहा है नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो ये सामान हमें बेसिक आइटम्स चाहिए, ठीक है जी। और अगर आप स्कूल की फीस की बात करें तो फर्स्ट से लेकर के थर्ड क्लास के बच्चों की फीस 1,20,000 है, फोर्थ से लेकर के सिक्स्थ क्लास के बच्चों की फीस 1,40,000 है, सेवन्थ से लेकर के ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की फीस 1,60,000 है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करता है, सेलेक्ट हो जाता है, तब तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर मान लीजिए सेलेक्ट नहीं भी होता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, 20-30 नवंबर लास्ट डेट है, तो ऐसे केस में बच्चे को सिर्फ 1,00,000 रुपए में पूरे साल भर तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ये कुछ एग्जाम्स हैं आरआईएमसी देहरादून का, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 9 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, सैनिक स्कूल का 19 नवंबर, एग्जाम 10 जनवरी को, आरके मिशन स्कूल का 30 नवंबर, और एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, दिसंबर में नहीं होगा, अब जनवरी में होगा। ओक ग्रोव स्कूल की डेट्स आ चुकी हैं, 30 नवंबर लास्ट डेट है, 31 जनवरी को एग्जाम होगा। एनटीएससी का फॉर्म निकल चुका है 10th क्लास के लड़के और लड़कियों के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है 13 दिसंबर को। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी नहीं निकला है, ठीक है जी। जवाहर नवोदय विद्यालय का 6th क्लास का फॉर्म निकल चुका है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है और 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, 10 अप्रैल 2021 को। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का 15 नवंबर लास्ट डेट है और 10 जनवरी 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपके स्कूल में ये फैसिलिटीज हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं हॉस्टल में, 200 से भी ज़्यादा कैमरे, 500 कंप्यूटर्स की लैब हमने बच्चों के लिए बनाई है ताकि बच्चा हर संडे टेस्ट दे। यानी सैनिक स्कूल के टेस्ट से पहले आपके बच्चे का, हमारा टारगेट है कि हम सैनिक स्कूल के टेस्ट से पहले 50 टेस्ट हम अपने स्कूल में ही ले लें, ठीक है जी। जितनी भी अग्नि परीक्षा है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून के टेस्ट से पहले ही हमने ले लेनी है, ठीक है जी। तो 500 कंप्यूटर्स का लैब हमने बच्चों के लिए तैयार किया है। और अच्छी बात क्या है कि बच्चा स्कूल में जो भी टेस्ट देता है उसकी परफॉर्मेंस हर संडे को पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिल जाती है। सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। अगर आपको हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ पे सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवाइए, तैयारी करवाइए, ठीक है जी। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इतना आसान नहीं है। करीब 1 करोड़ रुपये लगा करके कंप्यूटर लैब बनवाना, 50 लाख रुपये लगा करके स्मार्ट क्लासेस लगवाना, ठीक है जी। करीब करीब 20 लाख रुपए लगा करके हमने कैमरे का सेटअप लगवाया है, हॉर्स राइडिंग है। आपको हमारे स्कूल के अंदर ही जो बच्चे दूध पीते हैं वो गाय भैंस हमारे स्कूल की है, जो बच्चे सब्जियां खाते हैं वो हमारी सारे स्कूल की है, समझिए आप। जो बच्चे हॉर्स राइडिंग करते हैं हमारे पास अपने खुद के घोड़े हैं। ये बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी है हमने ताकि बच्चे को सर्विसेज अच्छी मिले, SSB की ट्रेनिंग मिले शाम को बच्चे को। तो बच्चा जो खाना खाता है, आप समझिए कि आपके घर में भी जो बच्चा सब्जियां खा रहा है वो ताज़ी सब्जियां नहीं खा रहा है, लेकिन मेरे स्कूल में जो बच्चा सब्जियां खा रहा है वो हमारे स्कूल की हैं, जो बच्चा दूध पी रहा है वो हमारे स्कूल के गाय भैंसे हैं, समझिए आप। जो बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं वो हमारे स्कूल के ही घोड़े हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ इन हाउस कर दिया है ताकि बच्चों को हमारे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए। ये 4 तरह के प्रोग्राम हैं, आपकी स्क्रीन पर इसको कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं लूँगा आपके सवाल जवाब, जो पेरेंट्स इंतजार करते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है जी। तो आपके एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जो भी आपके सवाल हैं, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करनी है, फिर मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरी कोशिश क्या है, सबसे पहले सवाल लेने से पहले मेरा टारगेट क्या है कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। वंश सहरावत जी का मैसेज, सर स्कूल ओपन हो गए? बिल्कुल जी, स्कूल हमारे ओपन हो चुके हैं, आपका बच्चा हॉस्टल में आ सकता है और आपका बच्चा स्कॉलरशिप का टेस्ट देगा, तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ,
ठीक है जी, आपको सारी कायनात ऊपर उठाएगी, लेकिन पहले उसके लिए आपको एक कदम तो आपको चलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हौसला तो आपको भी भरना पड़ेगा। जय प्रसाद जी का मैसेज, सर मैं आपसे आपकी टीम को मेरठ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं यूपी से हूँ, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका बच्चा लाइफ में बहुत बहुत आगे जाए, ऑफिसर बने, पायलट बने, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वैद्यनाथ वर्मा जी कमेंट कीजिए आपको क्या जानकारी चाहिए। ठीक है जी, हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारा टारगेट क्या है कि हिंदुस्तान में एक छोटे से छोटे परिवार का बच्चा, फौजियों के बच्चे, जो आदमी एक सोल्जर है, सोचिए जो आर्मी में सोल्जर है, एयरफोर्स में, नेवी में, छोटी से छोटी फैमिली का बच्चा घर से बाहर निकले, पेरेंट्स तैयारी करवाएं। और मेरा टारगेट क्या है, सैनिक स्कूल की जो फीस है वो करीब 1.5 लाख रुपए फीस है। मेरा टारगेट क्या है कि मैं आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में, कम से कम फीस में आपके बच्चे को तैयारी करवाऊं और आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़े। मेरा टारगेट क्या है कि आपके बच्चे को किसी तरीके से मैं सैनिक स्कूल में निकालूं, किसी न किसी तरीके से। बिंदु यादव जी का मैसेज है, सर मैं नवोदय का फॉर्म भरना चाहता हूं, पर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम में फॉर्म भरना चाहता हूं। आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 6th क्लास का फॉर्म किसी भी मीडियम से भर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से भरें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से भरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आता है। ठीक है जी, तो हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में पेपर दे सकते हैं। निशांत कुमार जी, आप हमारी 15 बुक्स का सेट ऑर्डर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे जा करके प्रॉपर आप हमारी वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड बुक्स परचेज कर सकते हैं। पूजा निर्वाल जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो सारे मैं आपको प्रॉब्लम जो आपने क्वेश्चंस का बताया मैं आपको शॉर्ट आउट करके दूंगा। आपको पता है लॉकडाउन हो गया था तो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई, फिर हमने फटाफट उसको ठीक करवाया, फिर अभी स्कूल खुलने लग गए हैं, पिछले 2-3 महीने से हम लोग स्कूल को सुंदर बनाने में, स्कूल को खोलने में लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वादा करता हूँ, पूजा जी आप लोग हमारे साथ बहुत विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। चतर जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून का फॉर्म, 8th क्लास के लिए सारे के सारे फॉर्म भर सकता है, सारे फॉर्म। गुरदीप सिंह जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल कब ओपन हो रहे हैं? हमारा स्कूल जी ओपन है, आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आप आइए और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, आपके बच्चे को तैयारी करवाइए, नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवाइए, आपको हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्या पता आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, 75% मार्क्स स्कोर करे, आपके बच्चे को मैं वादा करता हूँ कि हमारे विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री में, लेकिन एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, जब आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत साफ है, अपने आप सब कुछ अच्छा होता जाएगा, अपने आप, अगर आप लोग अच्छे लोगों की संगत में आएंगे, अच्छे सिस्टम में आएंगे, अपने आप सब कुछ अच्छा होता जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके कोई 9 दोस्त हैं और आप उनके साथ 9 महीने तक टाइम स्पेंड करो, और वो लोग मान लीजिए गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे 9 महीने तक रहेंगे, तो मैं बता दूं कि 10वें महीने में आप अगले 10वें फ्रेंड होंगे जो आप भी दारू पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे। आप समझिए इस चीज़ को, ये सब कुछ संगत का होता है। ठीक है जी, संगत का कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हॉस्टल में एक बच्चे को माहौल मिलता है, घर परिवार में वो माहौल नहीं मिल पाता है बच्चे को। बच्चा घर से बाहर निकलेगा, 9 से 10 टीचर बच्चे के ऊपर लगे रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, इंटरव्यू की तैयारी, फिजिकल की ट्रेनिंग, आप समझिए। तो बच्चे का यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, तो जब बच्चा एक अच्छे माहौल में आता है ऑटोमेटिकली बच्चा ग्रो करने लग जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बच्चे को
सिर्फ 2 महीने के लिए हॉस्टल में छोड़ करके देखो, आपको अपने आप फर्क दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप पेरेंट्स 2 महीने का भी पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं। तो देखिए, आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रावत जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कट ऑफ मार्क्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है, मिलिट्री स्कूल का, आरएएमसी देहरादून का, कम से कम 75-80% का टारगेट कर लो। कम से कम अगर आप किसी भी एग्जाम में 80% मार्क्स ले आते हैं, 75 में, तो आपको आराम से सिलेक्शन मिल सकता है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीजें प्रॉपरली मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे वाह, सुशीला तोमर जी का मैसेज है, 31 अक्टूबर को मेरे बेटे ने स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशीला तोमर जी, आप मुझे एक छोटा सा वीडियो बना करके भेजिए, छोटा सा वीडियो, पेरेंट्स को खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है आपसे ज्यादा, और हमें अच्छा लगता है कि यार हमारे माध्यम से हम वो एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं, हम वो एक जरिया है जो पेरेंट्स की मदद कर पा रहे हैं। तो सुशीला जी, पूरा बताइएगा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से आई हैं, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और आपके बच्चे ने किस क्लास का पेपर दिया, और आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है, प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना करके भेजिए ताकि मैं वो यूट्यूब के ऊपर डालूं, ताकि मैं पेरेंट्स को दिखा पाऊं कि देखो ये भी बच्चे वही बच्चे हैं, आप में से ही बच्चे हैं जो फ्री में तैयारी कर रहे हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो सुशीला जी, अच्छी बात है। फिलहाल देखिए, आपके बच्चे ने नवंबर वाला स्कॉलरशिप टेस्ट दिया तो 2 ही महीना फ्री पढ़ने को मौका मिला, लेकिन यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ गया ना, यार मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मेरे बच्चा कॉन्फिडेंट है, मेरे बच्चे का इंटरव्यू क्लियर है, रिटर्न क्लियर है। सोचो यही सेम प्रोसेस मिलिट्री स्कूल का है, सैनिक स्कूल का, आरआईएमसी का है। सुशीला जी, जल्दी से जल्दी मैसेज करो, आप कहाँ से हो, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आरआईएमसी का फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 30 दिसंबर से पहले पहले, 30 नवंबर से पहले पहले आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म आपको भेज देना है, लास्ट डेट। हरीश जी का मैसेज है, इंग्लिश ग्रामर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है आरआईएमसी में, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, किसी भी एग्जाम में जो छोटे बच्चों का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पता नहीं पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, जबकि मैंने आज तक, मैं 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात ही नहीं करी है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सुधांशु जायसवाल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म के लिए एक एक करके डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। लो जी, एक एक करके बता देते हैं। पहला, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे का नहीं है तो फादर का लगा दो, मदर का लगा दो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है जी, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और तीसरा अगर बच्चा SC है, ST है, OBC है तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस ये 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए जी। ठीक है जी, आर्मी वाले हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेन कौन से हुए, 2 ही डॉक्यूमेंट्स तो हुए ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। सुशीला तोमल जी ने बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका मैसेज पढ़ के, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। पंचकुला से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पंचकुला से। अरे वाह मैडम, आप तो हमारे पड़ोसी निकले। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सुशीला जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके हस्बैंड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, बच्चे ने 4th क्लास के लिए अप्लाई किया था और आप पंचकुला से हैं। देखिए, तो कई बार है ना, मैं वीडियोस बनाता हूँ, कई बार पेरेंट्स कॉल करते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, तो अच्छा है सुशीला जी, अब अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके भेजिएगा, आप बना दीजिए, आपके हस्बैंड बना देंगे, तो उससे एक बहुत अच्छा रहता है, दूसरे पेरेंट्स देखते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, वो लोग भी तैयारी करवाते हैं। हमारा तो यही टारगेट है, हम लोग हर साल टारगेट करते हैं कम से कम 2 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप देना ही देना है, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसका काम ही यही है, हम लोग जो ढूंढ ढूंढ करके बच्चे निकाल रहे हैं गांव-गांव से, हमें चाहिए छोटे शहरों के बच्चे चाहिए, है ना, ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता वाले और ये क्या नाम है, चंडीगढ़ वाले, ये हमारे कस्टमर नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ना 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 ना, हमारा टारगेट क्या है, जो छोटी फैमिलीज के लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, आर्मी में हैं, बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं,
किसान है, लेबर है, हमारा टारगेट वो पेरेंट्स हैं जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, उनके लिए हमें काम करना है। तो सुशीला जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। और यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका बच्चा कोई ना कोई पेपर निकालेगा अगर आपके बच्चे ने हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर किया है। देखिए हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, सीधी सी बात है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लड्डू नहीं दूंगा कि नहीं नहीं आप 10,000 का स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा लो और आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ना 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 ना, ये लड्डू देना हमारा काम नहीं है। और 9 बजे मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आता हूँ, मेरा टारगेट क्या है कि चाहे सच है चाहे आपको कड़वा लगे लेकिन मैं सच बोलूंगा, ठीक है जी। तो हाँ अर्णव गोस्वामी जी की तरह नहीं बोलूंगा लेकिन बोलूंगा जरूर, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो सुशीला जी, तोमर जी का अगला मैसेज, आई हैव टेकन टीसी फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, नाउ आई विल टेक कोर्स अप टू मार्च। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए आपको नवंबर और दिसंबर में तो फ्री मिल गए है ना, और आप मार्च वाले के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपके बच्चे को मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि अगर आपके बच्चे ने नवंबर में स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर कर दिया तो मार्च वाला भी कर देगा फ्री। आप ये मान के चलो कि आपका बच्चा अगर 2021 में अप्लाई करता है, तैयारी करता है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की, तो एक साल हमारे स्कूल में फ्री पड़ेगा, पक्का है ये, क्योंकि जिसने ये वाला पेपर निकाल दिया है। हालांकि मार्च में और ज़्यादा बच्चे आते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके बच्चा, क्योंकि एक बार हमारे स्कूल का पेपर क्लियर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वही सैनिक स्कूल का पेपर पूरा उठा करके मिलिट्री स्कूल का आरएमसी का ही पेपर डाला जाता है। पेपर काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है ना। अभी इस साल ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं पेपर, ऑनलाइन से दे रहे हैं, जब सेलेक्ट हो रहा है तभी आ रहे हैं। धर्म देव मिश्रा जी का मैसेज है, सर मैं अयोध्या से हूँ, मेरी लड़की 7th क्लास में है, आपके पास 8th क्लास में एडमिशन हो जाएगा? क्योंकि सर मेरे से आपने ही बोला था कि लड़कियों को बाहर निकालो, थैंक्स सर मोटिवेट करने के लिए। धर्म सर का नाम है धर्म देव मिश्रा जी, अरे वाह मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि लड़कियों को बाहर निकालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैरियर स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, हमारे स्कूल में तो लड़कियों के लिए और भी फीस कम है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लड़कियों को निकालो, तैयारी करवाओ। और आज की डेट में मैं आपको बता दूँ कि बेटे से ज़्यादा बेटियाँ कर रही हैं, अगर किसी पेरेंट्स को ये बात समझ में आ जाए ना तब, एक्चुअल में जब तक ये बातें समझ में आती है ना माँ बाप को तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आज की डेट में मैं आपको यही बोलूँगा कि लड़का और लड़की, मैं लड़का होकर के ये बोलूँगा कि लड़कियाँ ज़्यादा बढ़कर हैं, लड़कियाँ ज़्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं, ज़्यादा लॉयल हैं। तो मैं आपको पर्सनली यही बोलूँगा कि आज की डेट में लड़कियों के ऊपर 10 रुपया ज़्यादा लगा देना लड़कों से ज़्यादा, मैं हमेशा आपको बोलूँगा। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अम्बाला मत भेजिए, हमारी बुक्स मत लीजिए, हमसे फॉर्म मत भरवाइए, सब मंजूर है, लेकिन मेरी बात ज़रूर मानिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मदेव मिश्रा जी, गुड़िया आपकी 7th क्लास में है, 8th क्लास के लिए आपका गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, बहुत सारे स्कूल हैं। आप सिर्फ अम्बाला तक आओ, कॉल करो, जानकारी लो, तभी आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। एक पेरेंट्स ने भेजा है बाय पोस्ट डायरेक्ट देहरादून भेजना है फॉर्म। देखिए आपको मैं बता दूं, कॉल करके जानकारी लो, फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो आरआईएमसी देहरादून का थोड़ा जटिल है। आपके स्टेट में रीजनल सेंटर में भेजना होता है, आरआईएमसी देहरादून नहीं भेजना होता। और जिनको नॉलेज नहीं है वो हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उनका आरएमसी का फॉर्म वैसे ही फ्री हो जाएगा, ठीक है जी, बेबजाय पंगा लोगे, फॉर्म गलत हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। हरीश विज जी का मैसेज है, फ्रॉम 3 ईयर्स वी आर इन मुंबई एंड द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम। देखिए अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली का ही फॉर्म भरिए, जहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। आरआईएमसी देहरादून का कोटा आपको तभी मिल पाएगा, स्टेट वाइज जो कोटा होता है, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के लिए अप्लाई करो, आप महाराष्ट्र से हैं तो मुंबई के लिए अप्लाई करो, तभी आपको फायदा मिलेगा।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। पूनम जी का मैसेज आ चुका है, RIMC का स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा? स्कॉलरशिप टेस्ट तो हमारे हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर डेट भी डाली हुई है, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सुधांशु जायसवाल जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब तक निकलेगा? अभी तक नहीं निकला है सुधांशु जी, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश यही है 10 अक्टूबर तक फॉर्म निकल सकता है, ठीक है जी, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही निकलेगा मेरा आपसे वादा है। बुलबुल कुमारी जी, RIMC का 15 बुक्स का सेट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। बुलबुल कुमारी जी का मैसेज है, कॉस्ट क्या है क्रैश कोर्स का? तो क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, तो क्रैश कोर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000-30,000 रुपये पे करना है नवंबर और दिसंबर में, और आपको बुलबुल जी 15 बुक्स का सेट और एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का 3 फॉर्म हम फ्री भरेंगे। आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ। आगे चलते हैं, कुछ और मैसेज देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आज, बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो जाता है आप लोगों के मैसेज पढ़ के। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप तैयारी करवाओ, आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, ठीक है। 6th क्लास के लिए सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, ये कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से ऑलरेडी हमारे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, है ना, ये वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत मज़ा आएगा, हमारे स्कूल में जो बच्चे दूध पीते हैं गाय हमारी है, समझो आप, 500 कंप्यूटर के लैब हमने बनाया हुआ है, हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्सेस हमारे पास अपने हैं, बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है जी, क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप है। तो अगर आप तैयारी करवाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल पाएंगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी आपको फ़ायदा होगा। पंकज सिंह खुशवाहा जी का मैसेज है, 7 नवंबर टेस्ट के लिए क्या करना है? कुछ मत करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ और 7 तारीख को स्कूल में आकर टेस्ट आपको दिलवाना है, सिंपल। गौरव जी का मैसेज आ चुका है, गौरव जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम मार्च में होता है, जनवरी और फरवरी में फॉर्म भरे जाते हैं, नवंबर से लेकर के मार्च तक आप तैयारी करवाओ, सिर्फ 60,000 रुपये फीस है, आपके बच्चे का 3 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है जी, सब कुछ। तो आपका बच्चा गुरुकुल का भी पेपर देगा, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, RIMC, 5 महीने में सारे पेपर दिलवा देंगे, फॉर्म भी हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे, जैसे मिलिट्री स्कूल का पेपर हम दिलवाते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम है जैसे सैनिक स्कूल का आपके स्टेट में होता है, UP सैनिक स्कूल लखनऊ का वो भी आपके स्टेट में होता है, RIMC देहरादून वो भी आपके स्टेट में होता है, वो आपको दिलवाना है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है जी, मेरा काम पसंद आ रहा है आपको, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और एक एंड में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है वो 2 महीने का ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नवंबर और दिसंबर में 2 महीना फुल डे चलेगा, पूरा 10-10 घंटे क्लासेस चलेंगी, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 20,000 रुपये में आपका एक फॉर्म भी फ्री भर जाएगा, बुक्स भी मिल जाएंगी और आपका बच्चा 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस भी लगाएगा, सोचो, ठीक है जी। तो ये है आपको फ़ायदा, तो ये है आपको बड़ा फ़ायदा अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो और सिर्फ इवनिंग क्लासेस लेते हो, तो सोचो 10,000 में आपको बुक्स भी दे रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं और आपका बच्चा 2 महीने सिर्फ इवनिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। तो इसी विश्वास के साथ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। भाई हम लोग होली दिवाली दशहरा नहीं मनाते हैं, आप लोग मनाओ, हम तो मिशन पे निकले हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ हम तो भाई मिशन पे निकले हैं, आपका सपोर्ट मिलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गाँव में घुस के रहूँगा, आपके फैमिली में आपके बच्चे को आगे निकालना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, बस मेरी पढ़ाई लिखाई इस देश के काम आ रही है, इससे बड़ी और क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलेंगे 9 से 10, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।